स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जिलाधिकारी कार्यालय बांद्रा और जिला क्रीड़ा अधिकारी कार्यालय मुंबई उपनगर द्वारा समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कांदिवली के रहवासी युवाओं के प्रेरणा के स्रोत आशुतोष पांडे और उनकी बहन पूजा पांडे और जितेंद्र शर्मा को उनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए महाराष्ट्र शासन द्वारा युवा पुरस्कार से नवाजा गया। आपको बता दें कि सरकार समाज में अहम योगदान देने वालों को समय समय पर यह पुरस्कार देती है, तो वही इस बार यह युवा पुरस्कार महाराष्ट्र सरकार के मंत्री आशीष शेलार के हाथों दिया गया। इस मौके पर आशुतोष पांडे, उनकी बहन पूजा पांडे, जितेंद्र शर्मा समेत पुरस्कृत लोगों ने खबर इंडिया के संवाददाता रितेश पाठक से खास बातचीत की। इस दौरान युवा पुरस्कार से नवाजे गए आशुतोष पांडे के साथ उनकी माताजी भी मौजूद रहीं। इस पर देखिए खबर इंडिया की खास कवरेज। इस वक्त मैं मुंबई के उपनगर जिलाधिकारी कार्यालय बांद्रा में मौजूद हूं। मैं अपने कैमरा पर्सन से इन तमाम युवा शक्तियों को दिखाने की गुजारिश करूंगा कि युवा शक्ति कैसी शक्ति है जो हमारे देश की दशा और दिशा दोनों बदल सकती है। कहा जाता है जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस के पावन मौके पर जहाँ पर आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है वहाँ पर देश के प्रतिभाशाली युवाओं को जो है युवा खेल अधिकारी द्वारा जो है पुरस्कृत किया गया है। यहाँ पे कैबिनेट, यहाँ पे महाराष्ट्र शासन के मिनिस्टर आए, जो है तमाम जिलाधिकारी समेत जो हमारे साथ युवा कल्याण अधिकारी जुड़ रहे हैं। मैडम, आपसे हम जानना चाहेंगे जिस प्रकार से युवाओं की प्रतिभा को सलूट किया गया है, जिस प्रकार से युवाओं को अवार्ड दिया गया है विभिन्न क्षेत्रों के लिए, आप युवा कल्याण अधिकारी होने के नाते उपनगर जिला कार्यालय क्या कहना चाहेंगे? आज मुंबई उपनगर जिला के जो युवक है, युवक युवती और जो संस्था है उनको आज 15 अगस्त के अवसर पे हमने आशीष शेलार मिनिस्टर साहब के हस्ते और अपने कलेक्टर साहब मिलिंद बोरीकर साहब इनके हस्ते आज हम लोग ने इनको युवा यूथ पुरस्कार दिया है। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ये जो हमारे जिला के जो युवा है वो राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर भी जाए और अपना मुंबई उपनगर का नाम रोशन करे। से बातचीत करने के लिए जिला युवा पुरस्कार से नवाजे गए नौजवानों के दिलों की धड़कन आशुतोष पांडे हमारे साथ हैं। आशुतोष जी, अवार्ड पाकर के आपको कैसा लगा और दूसरे युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? जी देखिए, जब भी कुछ मिलता है तो हमेशा अच्छा ही लगता है और ये मुझे खास तौर पे इसलिए अच्छा लग रहा है कि आज मुझे पुरस्कार मिला है, लेकिन ये देख के और युवा भी प्रोत्साहित होंगे क्योंकि आज का जैसा ज़माना चल रहा है युवाओं की भूमिका आज देश निर्माण में सर्वोपरि हो चुकी है और आज युवा जितना ज़्यादा से ज़्यादा समाज कार्यों में आगे आएंगे उतना देश का विकास होगा और जिस देश के साथ युवा सशक्त होता है उस देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अशोक पांडे जी, कहीं ना कहीं एक अद्भुत संयोग मिला है कि आपकी बहन पूजा पांडे को भी आपके साथ ही अवार्ड दिया गया है। क्या एक ही घर में दो अवार्ड, दो प्रतिभाओं का सम्मान किया गया, क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि मेरे से ज़्यादा खुशकिस्मत कोई नहीं होगा कि जिस साल में मुझे अवार्ड मिल रहा है उसी के साथ मेरी छोटी बहन को भी अवार्ड मिल रहा है और ये सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि बाकी लड़कियों के लिए भी एक प्रेरणा वाली बात है कि वो भी आगे आकर, मैं लड़की हूँ ये सोच के पीछे ना रहे बल्कि हर एक क्षेत्र में कंधे से कंधा मिलाकर अपने देश का नाम रोशन करे और जो हमेशा करते हैं। बिल्कुल, हम आशुतोष पांडे की बहन पूजा पांडे की तरफ रुख करते हैं। पूजा जी, क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से आपको बहुत कम ही एज में अवार्ड मिला है, दूसरी यूथ के लिए क्या कहना चाहेंगे, दूसरी युवतियों के लिए जो आज भी मतलब अपना मतलब प्रतिभा देश में दिखा रही हैं, लेकिन तमाम जो आपसे इंस्पायर लेना चाहेंगे उनके लिए क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे इतने कम एज में ये अवार्ड मिला है। मैं काफ़ी खुश हूँ और ये अवार्ड सिर्फ मेरे लिए नहीं है, भारत के हर लड़की के लिए है जो अपने गांव, अपने जिला में कोने कोने में सोशल वर्क कर रही हैं और देश का नाम रोशन कर रही हैं। सो ये अवार्ड सिर्फ मेरा नहीं, उन सब के लिए है। और हाँ, जो अपकमिंग युवत है जो उनका एक ही बोलना चाहूँगी कि सोशल वर्क में हमेशा आप आगे रहिए, देश के लिए काम के लिए, खुद के लिए तो सब करते हैं कि देश के प्रति के लिए काम कीजिए, जितना आपसे बने उतना। अपने परिजनों के लिए, अपने गुरुजनों के लिए और अपनी फ्रेंड्स के लिए क्या कहना चाहोगे? गुरुजनों, ये बात सही है, गुरु के बिना सब अधूरा है। मेरी माताश्री यहाँ मौजूद है, मुझे बहुत खुशी मिल रही है और साथ ही मेरे सर जितेंद्र शर्मा, मेरे भाई, ये सब मेरा हमेशा साथ देते हैं और मेरे संस्था के सभी मेंबर्स कोई भी काम हो हर वक्त वहाँ आगे रहते हैं। कोई भी सपोर्ट लगा कि ऐसा वो नहीं कि लड़की के लिए पीछे रहना पड़ेगा, वो मुझसे दो हाथ आगे रहते हैं मुझे सपोर्ट करने के लिए। तो उनके लिए देर थैंक यू सो मच और मैं कोशिश करूँगी मैं और राष्ट्रीय स्तर पर ये मुकाम हासिल करूँ आप लोगों के लिए। थैंक यू। हमसे बातचीत करने के लिए हमारी भी शुभकामना आपके साथ है। मैडम, आपको जो अवार्ड मिला है आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सभी की जो मुझे ये अवार्ड के लिए चुना गया।
और मुझे प्रेरणा मिल रही है इससे और आगे बढ़ के और काम करने के लिए। ये मुझसे मुझे प्रोत्साहन मिल रहा है। इंसान हमेशा मैं बिलीव करती हूँ कि इंसान चार प्रमुख फैक्टर्स से बनता है, डेवलप होता है। एक वो खुद होता है, एक उसका शिक्षक होता है, दूसरे उसके पेरेंट्स और फिर समाज। तो मैं इन सभी की ऋणी हूँ कि इसके पीछे सभी का सहकार्य है, सभी का मोटिवेशन है। सो मैं सबकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। हमारे साथ जो है मास्टर आर्ट कोच जो है जितेंद्र शर्मा जुड़े हैं। जितेंद्र जी, कहीं ना कहीं जो है आपके तमाम यहाँ पे शिष्यों को भी अवार्ड दिया गया है, एक उनके ट्रेनर होने के नाते क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि मुझे बहुत खुशी हो रही है कि अवार्ड मुझे मिला है, और मुझसे डबल खुशी ये हो रही है कि हमारे छोटे भाई आशुतोष पांडे और हमारे छोटी बहन जो पूजा पांडे हैं उनको भी ये अवार्ड मिला है। और इनकी जो कार्य क्षमता है बहुत ही ज़्यादा है। इन्होंने अपने दम पे और लोगों के आशीर्वाद से इतना सामाजिक कार्य किया है, उसके लिए इन्हें सम्मान मिला है और मैं इन्हें बहुत तहे दिल से बधाई देता हूँ। मुंबई के उपनगर जिला में हर साल की तरह इस बार भी भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाने का बहुत शानदार कार्यक्रम यहाँ पर हमारे जिलाधिकारी और हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक तृप्ति सावंत, इन सब लोगों की उपस्थिति में बहुत अच्छी तरीके से हुआ। हर साल की तरह उमंग और उत्साह हमारे यहाँ पर उपस्थित सभी जनों के बीच में है। इस साल स्वाभाविक है 370 कलम को जाने के बाद और 35A निकालने के बाद एक भावना पूरे देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक कानून और एक निशान और एक प्रधान, इस भावना को लेकर बहुत उत्साहित है। मुझे लगता है स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं मैं सभी को देता हूं, और यहां पर उपस्थित जो हमारे प्रज्ञाजन है जिनका भी यहां पर स्वागत और समारंभ सत्कार हुआ उनको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। पहले तो सबको नमस्कार, और आज स्वतंत्रता दिवस पर सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं। आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज मेरे दोनों बच्चों ने यही अवार्ड हासिल किया, और मैं यही चाहूँगी कि देश के और भी युवा आगे बढ़े और वो भी इसी तरह से सम्मानित हो। बस इतना ही कहना चाहूँगी। आज मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए मुझे और कुछ बोलना शब्द नहीं मिल रहे कि मैं क्या और बयान कर सकूँ इसमें। धन्यवाद। युवाओं को जो पुरस्कार दिया जाता है महाराष्ट्र शासन जिला प्रतिनिधित्व के कारण, ऐसे युवकों को अगर बढ़ावा दिया जाए तो देश की शक्ति, युवा शक्ति बढ़ती रहेगी और उन्हें काम करने के और लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा, और इसी कारण अपना देश का नाम रोशन आगे आगे करते जाएंगे। तो इन सभी विजेताओं को, विशेष पुरस्कार मिलने वालों को मैं सभी का धन्यवाद देता हूं, और ऐसे आपके ज़िंदगी में ये कामयाब रहे और देश का नाम रोशन करते रहे, इतने ही शुभकामनाएं देता हूं। कहते हैं कदम चूम लेगी खुदा कर मंजिल, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत ना रहे। तो कहीं ना कहीं ये युवाओं को जो पुरस्कार मिला है, इनसे जो है दूसरे समाज के युवाओं को भी प्रेरणा लेना चाहिए और जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। कैमरा पर्सन विकास यादव के साथ रितेश पाठक, खबर इंडिया, मुंबई।